हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बताइए। अरे हाँ, कौन? मैंने अभी बात की थी ना वही असहाबुल हदीस के बारे में, बताइए ना। अरे ये मतलब भाई, किसने आपसे पूछा है सवाल ये? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे अहले हदीस, जो मैंने अभी पूछा था एक दुनिया तालीम में लिखा हुआ, आप कितनी जो हदीस है अल्लाह के रसूल के जमाने में जो है, आप वो बता रहे थे ना कि अभी 2 मिनट में बात करना मुझसे, तो हाँ, वो पूछ वो रहा थोड़ा हूँ। मैं बिजी हो गया भाई। देखिए ऐसा है, आप इस समय थोड़ा मैं खाली नहीं हूँ, तब भी आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ठीक है? तफसील से जानने के लिए आराम से हमको रात को कॉल कीजिएगा 11 बजे के बाद। देखिए, बाज लोग कहते हैं जो अहले हदीस है, अहले हदीस है, ये कहाँ से नाम आ गया, ये तो अंग्रेजों के दौर में आया है, और अहले हदीस तो अंग्रेजों की पैदाइश है, और पता नहीं माजल्ला क्या क्या उनके मुंह में आता बोलते हाँ, आते ऐसे हैं। बोल, देखिए, हाँ बोल एक्चुअल बोल। चीज ये है, आजादी के टाइम पे अंग्रेजों के दौर में, ठीक है, अहले हदीस जो नाम जो पहले से मौजूद था, उसको कानूनी तौर से हम लोग ने उसको लागू कर दिया। आप समझ रहे हैं, रजिस्टर करवा लिया। यानी कि इसका माना ये होता है कि मेरे पास एक मकान है, तो मकान तो मेरे पास पहले से है, लेकिन उसको मैंने अपने नाम आज जाके कराया है। आप समझ रहे हैं, रजिस्ट्री। आप समझ रहे हैं, किसी चीज को अपने नाम के लिए करने के लिए सरकारी कानूनी तौर से उसको हमको करवाना पड़ता है रजिस्टर। तो ये मैटर हुआ था। तो लोग ये समझते हैं कि अहले हदीस जो नाम था वो तो अंग्रेजों के दौर में भाई मतलब अलर्ट हुआ था, तो अंग्रेजों के दौर का ये फितना है, अंग्रेजों के दौर से पहले अहले हदीस थे कहाँ, अहले हदीस की एक मस्जिद दिखा दो, एक मैं दुनिया वही का तो पूछ अहले रहा हूँ। हदीस दिखा दो। तो ये सब मेरे भाई फालतू के उनके सवाल हैं, ठीक है भाई। अब ये तो वही मिसाल हो गई कि मेरा नाम भाई अफू है, ठीक, मैं सबसे कह रहा हूँ मेरा नाम अफू है, अफू है, और सालों से लोग हमको जानते हैं कि हाँ भाई इसका नाम अफू है। अब वही अफू नाम अगर मैंने कागज पे उतार दिया या मैंने उससे आईडी अपनी बनवा ली, तो क्या अब लोग कहेंगे कि ये आधार कार्ड जब बना है उसके बाद की पैदाइश है? नहीं, अफू खान पहले से मौजूद है। कानूनी तौर से जो उसका नाम अफू था वो बाद में भाई अलर्ट हुआ। इसी तरीके से अहले हदीस जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई तब से हैं जब से अल्लाह के नबी की जो हदीस है, जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, तब से भाई अल्लाह के नबी की हदीसों को मानने वाले मौजूद हैं, उनको ही अहले हदीस कहते हैं। और अहले सुन्नत का पहचान का नाम है अहले हदीस, ये कोई फिरका नहीं है ना, ये अंग्रेजों के दौर में। हाँ, अंग्रेजों के दौर में जब लोगों ने हमें मतलब भाई वो देवबंदी और बरेलवी और वहाबी कहना स्टार्ट कर दिया, तो हमने सरकार को बताने के लिए कहा कि हम अहले हदीस हैं, हम वो भाई हम वो हैं, ईमान वाले हैं, मुस्लिम हैं, जो कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान को मानते हैं। तो हमने अपनी पहचान को कानूनी तौर से एक मतलब भाई पहचान देने के लिए अहले हदीस अपना नाम हमने रजिस्टर करवाया। इसका माना ये नहीं है कि अंग्रेजों के दौर से पहले हम लोग थे नहीं, थे तो पहले से ही। अब इसकी क्या मेरे पे दलील है, जो हनफी मेरे पे जो फिकाया है, ठीक है, हिदाया, उसमें लिखा हुआ है कि इमाम मतलब काफी सारे उसमें भाई वो अइमा के नाम आए, उनमें से एक नाम आया है इमाम बुखारी रहीमुल्ला, वो अहले हदीस है। अब आप सुनिए, गौर कीजिए, हनफियों का दावा है कि जो अहले हदीस हैं वो अंग्रेजों के दौर की पैदाइश हैं। तो जो हनफी फिका है जो अंग्रेजों के दौर से सैकड़ों साल पहले की है, उसमें अहले हदीस का नाम कहाँ से आ गया भाई? हनफी फिक की जो मोतबर किताब है हिदाया, उसमें लिखा हुआ है इमाम बुखारी रहीमुल्ला वो अहले हदीस हैं। तो इससे साबित होता है अहले हदीस पहले से मौजूद है। और सुनिए, आप कोई कहे कि नहीं भैया हम हनफी फिका को नहीं मानते, तो भाई वो अपने पीरों के पीर को तो मानते होंगे, पिराने पीर को तो मानते होंगे भाई, जिनको वो लोग कहते हैं गौसे आजम, उनको तो मानते होंगे, है ना? तो पीरों के पीर ने फरमाया, ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्ला, वो अपनी किताब गुनियतुत तालबीन में उन्होंने भाई साफ साफ बता दिया है,
आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस, अहले असर। ठीक, इसका जो हवाला है उर्दू वाली मेरे भाई किताब में अगर आप देखेंगे तो इसका हवाला है भाई सफा नंबर 214। ठीक, नाम क्या है किताब का? गुनियतुत तालबीन, सफा नंबर 214। ये आपको उर्दू में, हिंदी में आपको मिल जाएगा, सफा नंबर आगे पीछे भाई वो हो सकता है, लेकिन जो ये बात है इंशाअल्लाह उस किताब में मौजूद है। ठीक, अरबी का जो हवाला है गुनियतुत तालबीन का, जो ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल भाई जो किताब है वो अरबी में है। ठीक, उसका जो हवाला है, उसका हवाला ये है, उसकी मेरे भाई जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166। ठीक, तो ये दोनों हवाले उनको दे दीजिए, चाहे वो अरबी खोल के देख लें, उर्दू खोल के देख लें, हिंदी खोल के देख लें, उनको पहले सुन लीजिए पहले मेरी पूरी बात। हाँ, सुनाइए सुनाइए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मेरे को जाना भी है काम से। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्ला ने, वो तो अंग्रेजों के दौर से पहले के थे, उन्होंने भी कह दिया कि अहले सुन्नत का जो पहचान का नाम है आज के दौर का, वो अहले हदीस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी साबित हो गया कि जो अहले हदीस हैं वो अंग्रेजों के दौर की पैदाइश नहीं है, ना ही अंग्रेजों के दौर में उनका जो ये नया नाम मतलब भाई लोगों ने इसको रख दिया, अलाटमेंट इसका मतलब भाई करवा लिया, नाम पहले से मौजूद था लेकिन कानूनी रूप से हमने उसको मेरे भैया करवा लिया रजिस्टर, ताकि आगे चल के कोई हमें मतलब बरेलवी, देवबंदी, कादियानी शिया ना समझे। इसलिए हमने सबसे भाई अपने आप को अलग करने के लिए अपनी पहचान भाई हमने बता दी, हम भाई हम किताबो सुन्नत के मानने वाले हैं, हम अहले हदीस हैं, हमारे नाम को भैया कानूनी रूप से भैया फिक्स कर दो, रजिस्टर कर दो। ठीक, तो ये हो गया मसला। अब चलिए, मैंने भाई जो हवाला दे दिया वो दे दिया हनफी फिक का, अल्लाह के वली का, गौसे आजम का, पिराने पीर का। अब आते हैं हदीस की तरफ। ठीक, अब जो हदीस देने जा रहा हूँ भाई उसको गौर से सुनिएगा। ये जो हदीस है इसका पहले हवाला आपको दे दे रहा हूँ। ठीक, इसका हवाला है सही जामे तिर्मिजी, और इसका इसमें जो बाब है, चैप्टर है, उसका नाम है अल फितन, यानी कि बाब का नाम है किताबुल फितन। ठीक, जो देखिए जो हदीस की मेरे भाई किताब होती है उनमें जो भाई वो आइमा होते हैं, मुहद्दिसीन होते हैं, वो बाब बांधते हैं। ठीक, तो जामे तिर्मिजी में एक बाब बांधा गया है, चैप्टर बांधा गया है, उसका नाम है अल फितन, उसके जिल्द नंबर 33 में और हदीस नंबर 2351 में। क्या लिखा हुआ? हाँ, 2315। एकदम आसान हवाला है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, स्पीड में याद कीजिए, जामे तिर्मिजी, बाब अल फितन, ठीक है, जिल्द नंबर 33, और भाई जो हदीस नंबर है वो है 2351। अब इसमें आता क्या है? इसमें आता है कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब शाम के लोगों में आफत आ जाएगी, ठीक है, बिगाड़ आ जाएगा, गुमराही आ जाएगी, तब आपके लिए कोई भलाई नहीं रहेगी। ठीक, मेरी उम्मत में एक गिरोह वो हमेशा हक पर कायम रहेगा, जिसकी जो भाई मतलब वो हेल्प है, मदद है, वो अल्लाह करता रहेगा, और उससे दुश्मनी करने वाले उसको कोई नुकसान कतई नहीं पहुंचा पाएंगे, यहाँ तक कि कयामत कायम हो जाएगी। तो ये हदीस है। ठीक, कि जब शाम के लोगों में उल्टा सीधा काम होने लगेगा, बिगाड़ आ जाएगा, तब मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, हमेशा, यानी कि अल्लाह के नबी क्या करे, हमेशा, यानी कि अल्लाह के नबी के दौर से लेके ता कयामत तक वो जमात, वो मेरे भाई जो भी है, लोग हैं, ग्रुप हैं, वो हमेशा हक पे रहेगा, एक ग्रुप। अब ये एक ग्रुप कौन सा है, ये ना हम आपकी मानेंगे, ना अपनी आपको मनवाएंगे, ना आज के हनफियों की मानेंगे। जो हदीस भाई मतलब जो उतार रहा है, नकल कर रहा है, वो क्या कहता है? ठीक, इसी हदीस के नीचे, इस हदीस की जो मेरे भाई वो ज्योति तशरी में खुद
इस हदीस को नकल करने वाले इमाम तिर्मिजी रहिमुल्ला वो कहते हैं, अब क्या कहते हैं गौर से, एकदम गौर से आप भाई इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक। इमाम तिर्मिजी रहिमुल्ला फरमाते हैं इस हदीस की भाई तशरी में कि मेरे उस्ताद इमाम, कौन कह रहा है ये इमाम तिर्मिजी रहिमुल्ला फरमा रहे हैं कि मेरे उस्ताद इमाम, हेलो याद कर रहे हैं ना भाई? हाँ, कहीं भाई वो लिखना हो लिख लीजिए, बार बार भाई मैं मतलब बता पाऊँ ना बता पाऊँ वो कहेंगे तो ऑडियो आपको भाई हम भेज देंगे, ठीक है, ऑडियो हमारे में टेप हो रही है, ठीक है, तो हम आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद आप आराम से आपको ऑडियो भेज देंगे, ठीक। और आपको लिखना है तो फिर मैं एकदम आराम आराम से बोल, ठीक है। आप मुझे इस हदीस की तशरीह में खुद इमाम तिर्मिजी रहिमुल्ला कहते हैं मेरे उस्ताद इमाम बुखारी रहिमुल्ला ने कहा, और इमाम बुखारी कहते हैं कि मेरे उस्ताद इमाम अली इब्ने मदनी रहिमुल्ला ने कहा कि इस गुरुस से जो माना है मुराद है वो अहले हदीस है। और तमाम मेरे भाई 1000 साल के मेरे पर जितने अइमा गुजरे मुहद्दिसीन भाई जो आए हैं गुजरे हैं अहले सुन्नत के, उन सब ने कहा है कि इस गुरु से मुराद अगर अहले हदीस नहीं है तो हम नहीं जानते कौन है, ठीक। तो ये तो मेरे भाई साबित हो गया, अब इनकी हनफी फिका से भी, पिराने पीर से भी, ठीक, और अल्लाह के नबी की जो हदीस है उससे भी। अब आते हैं कि क्या अहले हदीस वाकई अंग्रेजों के दौर में थे और उनसे पहला कोई भी अहले हदीस था नहीं, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा मेरे भाई आपको बता देते हैं। देखिए सहाबी क्या कहते हैं, अब जो मैं आपको हवाले दे रहा हूँ उसको आराम से उसको भाई सुनिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। भाई जो सहाबी थे अबू हुरैरा, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैं दुनिया में पहला अहले हदीस हूँ। अब बताइए जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के दौर के टाइम आए हैं अहले हदीस, तो सहाबी कह रहे हैं कि मैं दुनिया में पहला अहले हदीस हूँ, ये बात आती है तारीख बगदाद में भी आपको मिल जाएगी, और भाई तज़किरतुल हुफ्फाज उसके मेरे भाई भाग नंबर 1 पे और पेज नंबर 34 पे। अब सुनिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमुल्ला, वो एक मेरे भाई किताब है और उस किताब का नाम है शर्फ असाबुल हदीस, उसमें वो इस बात को लाते हैं कि हमेशा हक पर रहने वाली जो जमात है अगर अहले हदीस भाई वो नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कि वो कौन है, ठीक। अब सुनिए आगे आता है कि भाई वो जिस जमात के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वह हमेशा हक पर रहेगी, उससे मुराद अहले हदीस जमात है, ये कौन फरमाता है? अमीरुल मोमिनीन, हदीसों के बहुत बड़े अल्लामा मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहिमुल्ला। तो इमाम बुखारी भी इस हदीस से, इस गुरु से मुराद लेते हैं अहले हदीस है, ठीक। अब आते हैं आगे की बात पे कि अहले हदीस, ठीक, अहले हदीस जो है उनके ताल्लुक से भाई क्या आता है? इमाम सुफियान सूरी रहीमुल्ला वो फरमाते हैं, एक किताब है शर्फ असाबुल हदीस, यानी कि ये एक ऐसी भाई मेरे भाई किताब है जिसमें जो अहले हदीस है उनका जो मेरे भाई शर्फ है, फजीलत है, अहमियत है और उनकी जो मेरे भाई तारीफ है वो इन किताबों में अलग अलग अइमा के, इमाम के, मुहद्दिसीन की जो बात है उनको नकल किया गया है। उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आता है कि फरिश्ते आसमान के पहरेदार हैं और अहले हदीस जमीन के, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन फरमा रहा है? ये कोई आम आदमी भाई नहीं फरमा रहा है, इमाम सुफियान सूरी रहीमुल्ला फरमा रहे हैं कि फरिश्ते आसमान के पहरेदार हैं और अहले हदीस
जमीन के पहरेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हूँ। ठीक, और सुनिए, अहले हदीस के ताल्लुक से और क्या बातें आती हैं वो भी थोड़ा आपको बता दें कि अहले हदीस जो है, अहले हदीस मुसलमानों में ऐसे हैं जैसे अहले इस्लाम में तमाम मजहब, आप समझे, अहले हदीस ऐसे हैं, मतलब अहले हदीस जो आम तौर के जो लोग अपने आप को बोलते हैं मुसलमान, तो जितने मुसलमान हैं उनमें अहले हदीस ऐसे हैं जैसे अहले इस्लाम में तमाम जो मेरे में धर्म है मजाहब है वो। और ये कौन फरमाता है? ये फरमाते हैं शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमियर रहमुल्ला। ठीक, तो बहुत सारी फजीलत आई हुई है अहले हदीसों के बारे में, लेकिन अब यार ये पता नहीं ये कितना कहाँ से लेके आते हैं कि अहले हदीस तो अंग्रेज के दौर में इन्होंने नाम अपना लाके अपने ऊपर थोप लिया कि हम तो अहले हदीस हैं। ये तो अहले हदीस है ही नहीं, ये तो अहले खबीज हैं। अहले हदीस तो खाली भाई उनको कहते हैं मुहदिसीन को, तो ये नया फितना लाए। तो भाई जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है अहले किताब, तो अहले किताब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है तो उनमें क्या जो खाली आलिम है उलमा है खाली भाई वो शामिल होते हैं? नहीं, तमाम लोग शामिल हो जाते हैं। यानी कि मेरे भाई जिनके जिनके ऊपर किताब नाजिल की गई, यहूद और नसारा, आम लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं और जो उनके उलमा पादरी होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, है ना। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है ना सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, ठीक, कि आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में एकता है। ठीक, तो उसी में अल्लाह ताला कहते हैं अहले किताब, कहो अहले किताब से। तो अहले किताब से माना क्या है? सिर्फ आलिम दीन है अहले किताब के? नहीं, आम लोग भी हैं। तो इसी तरीके से जो अहले हदीस हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह आम लोग भी हैं और जो मेरे भाई जो हदीसों के माहिर हैं मुहद्दिसीन हैं वो भी हैं। मुहद्दिसीन जो होता है वो आलिम होता है हदीसों का। ठीक, और जो आम तौर के लोग होते हैं जो भाई कुरान और हदीस को मानते हैं वो आलिम नहीं होते, खाली इतना फर्क है, लेकिन है दोनों अहले हदीस। ठीक, तो अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह तब से हैं जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है। और अब अगर कोई सवाल पूछे कि आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, यानी कि खाली आप हदीस को मानते हैं भाई, आप अल्लाह के कलाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, आपको तो कहना चाहिए था कि हम अहले कुरान और अहले हदीस हैं। तो उन जाहिलों को ये नहीं पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को भी हदीस कहा है। सूरे भाई आप जब खोलेंगे सूरे जुमर, ठीक, उसमें अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है कि हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया अहसनुल हदीस, तो अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है। ठीक, और हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी की जो बात है कौल है अमल है तकरीर है, ठीक, ये सब भी मेरे भाई हदीस है। तो हम अहले हदीस हैं, हम अल्लाह की भी बात को मानते हैं अल्लाह के नबी की भी बात को मानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि अहले हदीस वो अल्लाह के नबी के दौर से हैं और ता कयामत तक रहेंगे। तादाद उनकी मेरे भाई कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, लेकिन एक जमात हमेशा हक पे रहेगी और उससे मुराद अहले हदीस है। अब अगर कोई कह रहा है कि नहीं अंग्रेजों के दौर में थे, अंग्रेजों के दौर पे आए उससे पहले नहीं थे, तो उनको मेरे भाई ना तो अपनी हनफी फिका को मानना चाहिए, ना उनको अपने गौसे आजम को मानना चाहिए, ना ही उनको अल्लाह के नबी की हदीस को मानना चाहिए, ना ही उन्हें सहाबी की बात को मानना चाहिए। अब आप पूछिए, अब क्या पूछ रहे थे? हाँ, जो आपने हवाले दिए हैं तो सर मुझे पता चल गया, सब लिख लिया है मैंने। बस यही पूछना था मुझे। अगर एक और सवाल है, थोड़ा सा एक जिक्र और बता दीजिए कि कुरान एक हदीस में आया कि अल्लाह ताला मतलब नबी के बारे में हदीस फरमाते हैं कि जो मुझसे, भाई आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा आराम से बोलिए और जोर से। मतलब अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो मैं तुम्हें दूं उसको ले लो, जिस चीज को मैं मना करूं तो चीज को छोड़ दो, तो उससे ये मुराद लेते हैं
कि अल्लाह के रसूल ने जो कहा कि जो अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है ना, फरमा ताकुम रसूल, यानी कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। मांगा जाता है अल्लाह के रसूल से, लिया जाता है, मांगते हैं, तो उससे मुराद ये है कि अल्लाह के रसूल जो भी देते हैं उसे ले लो, इसलिए हम मांगते हैं। देखिए ये अब टॉपिक जा रहा है अल्लाह के नबी से मदद मांगने के ऊपर, ठीक। तो देखिए अल्लाह के नबी जब तक इस दुनिया में हयात थे तब तक सहाबा सहाबिया अल्लाह के नबी के पास जाते थे, अल्लाह के नबी को अपना मसला बताते थे, अल्लाह के नबी की मदद करते थे, ठीक। लेकिन अल्लाह के नबी की मतलब इस दुनिया से जाने के बाद, इंतकाल के बाद, वफात के बाद, सहाबी ने कभी भी अल्लाह के नबी को मतलब कभी ऐसे नहीं पुकारा मदद के लिए भाई, मतलब गैप में कि या रसूल अल्लाह अल मदद, कभी नहीं पुकारा। क्योंकि सहाबा का जो मेरे भाई अकीदा था बिल्कुल साफ था कि हमें अल्लाह से मांगना है, क्योंकि वो सूरह फातिहा पढ़ते थे ना हर नमाज में, चाहे अकेले हो चाहे इमाम के पीछे हो, और उनको पता था कि या कनाब्दु वैया कनस्ताइन, इसका माना क्या है कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो वो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते थे। हाँ, जो जायज वसीला था उसको लेते थे, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला कहता है कि जो भाई तुमको नबी दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ, तो यानी कि नबी से मांग सकते हैं मदद, तो ये इस आयत को सहाबा ने कैसे समझा? इस आयत को अल्लाह के नबी के ऊपर जब नाजिल हुई तो क्या अल्लाह के नबी ने इस तरीके से मेरे भाई सहाबा को समझाया? या आज से 1439 साल में कौन से अहले सुन्नत के इमाम ने, मुहद्दिसीन ने इस आयत से ये माना लिया है कि हम अल्लाह के नबी से गैब में अल्लाह को छोड़ के मदद मांग सकते हैं? ये तो जाहिलों का कीदा है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। तो भाई ये बताइए, अल्लाह को छोड़ के अगर हम अल्लाह के नबी से मतलब भाई हम छोटियां भरवाएंगे, ऊपर से धमकी देंगे कि लौट करना मैं जाऊंगा खाली, तो मेरे भाई क्या, मेरे भाई ये क्या फालतू का दीन, मतलब दीन ना हो गया, मजाक हो गया? अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी इबादत करो, मुझसे ही मदद मांगो। अल्लाह ताला हर रात को आसमानी मतलब जो आसमान होता है, ठीक है, तो आसमानी दुनिया पे आता है, एक आवाज लगाई जाती है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं देने आया हूँ। तो अल्लाह ताला जब खुद भाई हर रात को रात के तीसरे पहर में आसमानी दुनिया पे आता है और लोगों को देने के लिए आता है, तो लोग क्यों नहीं मांगते हैं? तो मांगते नहीं है। उसके बाद दिन के उजाले में हारमोनियम बजा के कव्वाली गागा के अल्लाह के नबी से झोलियां अपनी भरवाते हैं। तो ये अकीदा बातिल है। जो आयत जो है वमा अताकुम रसूलहू, यानी कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ, इसका माना ये है कि दीन में जितना अल्लाह के नबी ने दे दिया उतना करो और जिनसे रोका है उससे रुक जाओ। और दूसरी आयत में अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे मत बढ़ो, यानी कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम से आगे हमको नहीं बढ़ना है। लेकिन आज लोगों ने क्या कर दिया दीन में, नहीं मेरे भाई मैंने तो इजाद कर दी, वो काम कर रहे जो ना अल्लाह ने कहा ना अल्लाह के नबी ने कहा, तो वो भाई आगे बढ़ गए ना। भाई जब अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे मत बढ़ो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो, तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो, तो नबी ने हमें क्या दिया? नबी ने हमको दिया अल्लाह का कलाम और अपना फरमान, यानी कि भाई किताबुल्लाह और सुन्नत नबी। तो हमको भाई कुरान हदीस अल्लाह के नबी ने दिया ना, तो वो हमको लेना है। और किससे हमको रोका है? जिससे रोका है उससे रुक जाओ, यानी कि अंधी पैरवी से, बाप दादाओं के दीन से, अपने खानदानी और मसलकी मेरे भाई दीन से। दीन इस्लाम एक है, मजहब हमारा एक ही है। मजहब क्या है? कुरान हदीस। तो दीन इस्लाम पे हम कौन से मेरे भाई तरीके से चलेंगे, मनस से भाई चलेंगे, वो है कुरान हदीस। और जो भी इंसान मुसलमान जो भी भाई कुरान हदीस से भाई अमल करके इस्लाम पे चलता है, वही अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत का आज के दौर में भाई पहचान का नाम क्या है?
वो है अहले हदीस। अहले हदीस कोई फिरका नहीं है ना, ये भाई अंग्रेजों के दौर में आया है, ये मैंने भी आपको मिसालों से बताया है, ठीक है, हवाले भी आपको दिए हैं भाई, हनफी फिका का हवाला दे दिया, गौसे आजम का हवाला दे दिया, अल्लाह के नबी की हदीस का हवाला दे दिया, सहाबी ने अपने आपको अहले हदीस का उसका हवाला दे दिया, तो सब कुछ तो मैंने दे दिया है। लेकिन आप कोई कहें नहीं कुरान में कहाँ लिखा है कि अपने आप को अहले हदीस को, तो हम भी उससे पूछेंगे कि हाँ भाई कुरान में कहाँ लिखा है कि अपने आप को हनफी मलकी शाफी हम्बली कहो, कुरान में कहाँ लिखा है कि अपने आप को बरेलवी देवबंदी कादियानी कहो, और अल्लाह ने कहा कहा है कि तुम अपने आप को मतलब भाई ये मतलब ये चिश्ती कादरी और नक्शबंदी और मतलब ये मतलब बिना वर्दी स्वर वर्दी और हयाती और ममाती और जमाती और खैराती ये सब बोलो। तो अगर ऐसे मेरे भाई पूछने पे आ जाएंगे ना तो सामने वाले की तो हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछा कहे आप उससे कहा कीजिए भैया हम मुस्लिम हैं, लेकिन अब अगर कोई मुस्लिम ऐसा है जो भाई वो दीन में नहीं नहीं मेरे भाई काम कर रहा है बिदते जात कर रहा है दीन में, वो तो वो उस अहले बिदत के सामने हम अहले सुन्नत हैं। अगर कोई ऐसा मुस्लिम है जो दीन में अपने बड़ों की राय कयास पे अमल करता है तो वो हो गया अहले राय, तो उसके मुकाबले में हम हो गए अहले हदीस, ठीक। अगर कोई दीन में बहुत ज्यादा मेरे भाई उल्टे सीधे बिगाड़ वाला काम कर रहा है तो वो हो जाएगा अहले बातिल, उसके सामने हम क्या हो जाएंगे अहले हक। अगर कोई दीन में मेरे भाई मतलब भाई अल्लाह को छोड़ के बाकी लोगों से मांग रहा है और शिर्क कर रहा है तो वो हो जाएगा अहले शिर्क, उसके सामने हम क्या हो जाएंगे अहले तौहीद। तो ये आप अपने आप को नाम एक पहचान के तौर पे देते हैं, जाती तौर पे हम कौन है मुस्लिम है, लेकिन अब लोगों में भाई कौन से मुसलमान है, हम मुसलमानों में तो बहुत सारे मुसलमान हो गए ना, एक मुसलमान ऐसे हैं जो सहाबा इकराम को गालियां देते हैं, ठीक, एक मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़ के कब्रों मजारों और दरगाहों और आस्थानों में अटके रहते हैं, एक मुसलमान ऐसे हैं जो अपने अकाबिर उनके पीछे पड़े हुए नहा धो के की बात जो हमारे अकाबिरों ने कह दिया जो हमारे बुजुर्गों ने कह दिया बस वही हमारे लिए दीन है, एक मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानते हैं, तो आखिर कौन से मुसलमान है। तो उन मुसलमानों में पहचान के लिए एक सिपाती नाम आ गया अहले सुन्नत, और अहले सुन्नत का एक ही नाम है वो है अहले हदीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भाई आपका नाम क्या है, हेलो, हाँ हेलो सुन रहा हूँ, आपका नाम क्या है, सलमान साजिद है, सलमान, हाँ, तो जैसे भाई आप भी इंसान हो हम भी इंसान हो, तो है तो इंसान ना जाती तौर पे, लेकिन पहचान का नाम क्या दे दिया, मेरा नाम अफू हो गया आपका नाम सलमान हो गया, तो ये पहचान का नाम है ना। अब कोई कहे नहीं अल्लाह ताला ने तो तुमको एक ही नाम दिया इंसान, तो अब भाई अगर हम भी आपको इंसान कहें आप भी हमको इंसान कहो, सब लोग इंसान हो जाए दुनिया में सबका एक ही नाम हो जाए इंसान 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 इंसान, तो पहचान कैसे होगी। तो इसलिए जाती तौर पे हम इंसान हैं, लेकिन पहचान के लिए जो हमारा नाम हो गया वो हमने भाई किसी का नाम अब्दुल्ला हो गया, जाकिर हो गया, अफू हो गया, मोहम्मद हो गया, सुल्तान हो गया, अकबर हो गया, अनवर हो गया, तो ये पहचान के नाम हो गए ना, ताकि हाँ भाई फला फला आदमी ये पहचान उसकी है। तो इसी तरीके से जो हम मुसलमान हैं उसमें भी इतना बिगाड़ पैदा हो गया मुसलमानों में, दीन इस्लाम एक ही हमारा दीन एक है, नबी एक है, कुरान भी एक है, किबला भी एक है, कलमा भी एक है, सब कुछ एक है, लेकिन जो मुसलमान हैं उनमें इतना बिगाड़ आ गया कि लोगों को मेरे भाई मुश्किल हो गई कि भैया कौन से टाइप का मुसलमान है। तो उसमें मेरे भाई एक पहचान आ गई अहले सुन्नत, यानी कि हम भाई तमाम जो अहले बिदात हैं हम उनसे दूर हैं, तो अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले, ठीक है। अब मेरे भाई मेरे को जाना है थोड़ा एक जगह, और काफी देर बात भी कर ली, अब इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है, और जो ना समझ में आया हो आप हमें दोबारा फोन करके पूछ सकते हैं, हेलो, ठीक, मेरे बस पर डाल देना।
ये ऑडियो मेरे नंबर पर डाल देना। अच्छा अच्छा तो आप अपने नंबर से अपना नाम मैसेज कर दीजिए तो आपको भेज देते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।